मैं हमेशा यूँ सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में बोल लगा। कौन है बॉलीवुड का बेस्ट सिनेमैटिक ब्रेन? कौन होगी फिल्म की लीड एक्ट्रेस? हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बॉलीकैट स्टूडियोज। मैं हूं निधि यादव और आज हम बात करेंगे फिल्म दंगल 2 के बारे में। बॉलीवुड में अपनी दंगल से सबके दिलों में राज करने वाली फिल्म दंगल तो आपको याद ही होगी। उस फिल्म को ऑडियंस का अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था और उस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े थे। इस फिल्म में मिस्टर खान की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया था। आमिर खान ने इस फिल्म में गीता और बबीता फुगाट के पिता का रोल प्ले किया था। इसी फिल्म पर बात करते हुए मिस्टर खान ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको कि क्या है वो शॉकिंग चीज। एक इंटरव्यू में सुपरस्टार ने रिवील किया था कि फिल्म दंगल में गीता और बबीता की माँ के रोल के लिए 70 लोगों ने ऑडिशन दिया था। जी हाँ, 70 लोगों ने, और इन्हीं 70 लोगों में से मल्लिका शेरावत भी एक थी। पर फिर फिल्म के मेकर्स को साक्षी की परफॉर्मेंस ने इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने साक्षी को ही साइन कर लिया और उन्होंने इस रोल को बहुत खूबसूरती से निभाया भी था। फिल्म में महावीर फोगाट का रोल प्ले करने वाले आमिर खान को बॉलीवुड का बेस्ट सिनेमैटिक ब्रेन कहा जाता है। जी हाँ, एक अदाकारा ने आमिर खान को बॉलीवुड के बेस्ट सिनेमैटिक ब्रेन का टैग दिया है और वो अदाकारा कोई और नहीं बल्कि तिस्का चोपड़ा है। तिस्का के लिए आमिर खान के साथ काम करना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। उन्होंने मिस्टर खान को रियल जेम बताया है। दोनों सुपरस्टार सुनतारे जमीन में साथ में काम करते नजर आए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिल्म दंगल 2 के बनने की खबर सामने आ रही है, तो हो सकता है कि जिसका चोपड़ा इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल निभाती नजर आए। और जिस तरीके से वो आमिर खान की तारीफ कर रही हैं, उससे तो ये पता चलता है कि वो आमिर खान के साथ काम करने के लिए बेताब है। अब ये तो समय ही बताएगा कि आमिर खान जिसका को अपनी अपकमिंग फिल्म में लेते हैं या नहीं। चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसे देखना चाहेंगे आप मिस्टर खान के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।